प्रदेश में एक तरफ पुलिस नारी सुरक्षा को लेकर अभियान चला रही है तो वहीं अपराधी पुलिस के इस अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं। ताजा मामला यूपी के संभल से सामने आया है जहां एक 12वीं की छात्रा को अकेला पाकर गांव के ही युवक ने बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना चाहा। पीड़ित छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी युवक ने उसके साथ मारपीट कर दी और मौका देखकर भागने लगा। पीड़ित छात्रा की आवाज़ सुनकर जब उसके पिता मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने उनके सर में डंडा मारकर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पीड़ित छात्रा अपने पिता के साथ थाने पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी, मगर मामला पुलिस को पता लगा कि आरोपी उसी थाने के चौकीदार का बेटा है तो थाना ऐसे मामले को दबाने का प्रयास करने लगे और पीड़ित को धमकाने लगे। मामला मीडिया में आने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जनपद संभल के थाना धनारी के ग्राम छपरा की रहने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा रोज की तरह अपने गांव में बच्चों को चारा देने जा रही थी। आरोप है कि तभी गांव का ही युवक छात्रा के पास पहुंचा और उसको बुरी नीयत से दबोच लिया। पीड़ित ने इसका विरोध करना चाहा तो आरोपी ने हैवानियत दिखानी शुरू कर दी और छात्रा को अपने मुंह से काटने लगा। पीड़ित के चीखने की आवाज़ सुनकर उसके पिता दौड़े और अपनी बेटी को आरोपी युवक से बचाने लगे, मगर आरोपी ने यहाँ भी अपनी हैवानियत नहीं छोड़ी और छात्रा को बचाने आए उसके पिता के सर में डंडा मार दिया जिससे वो जमीन पर गिर गए। मामला बिगड़ता देख आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से भाग गया। उसके बाद पीड़ित छात्रा अपने पिता के साथ थाने पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी, मगर थाने के एसओ अता मोहम्मद को जब ये पता लगा कि आरोपी उसी थाने के चौकीदार का बेटा है तो ऐसो पीड़ित को डरा धमकाने लगे और मामले में फैसला कराने का दबाव बनाने लगे, मगर मामला जैसे ही मीडिया में पहुंचा तो ऐसो साहब को अपना फैसला बदलना पड़ा और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अच्छा, ये आज देखा जा रहा है आपके गांव में एक थाने में चौकीदार है धनाई थाने में जी। उसके लड़के ने आपकी लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और जो है फिर वहां पर मौके पर लड़की ने शोर शराबा मचाया तो सुनने में आ रहा है आप भी वहां मौजूद थे, तो आपने किस तरह से अपनी लड़की को बचाया? मैं दूसरे घर में था तो मैं वहां से भाग कर आया, तब तक मेरी लड़की मतलब काटी थी और जब मैं शोर शराबा सुना अपनी लड़की की चीख पुकार सुनी थी तो उस लड़के ने मेरे सर में एक डंडा भी मारा और लड़की के भी डंडा मारा और जान से मारने धमकी देकर वो भाग गया। अच्छा, सुनने में आ रहा है चौकीदार की जो पत्नी है उनसे भी लड़की की हाथापाई हुई है, लड़की को मारा पीटा है उनकी चौकीदार की पत्नी ने जी, उसने भी मारा। तो क्या आपने अपनी लड़की को बचाने की कोशिश की? हाँ, बचाने की कोशिश की, तभी तो सर में डंडा मारा था मेरे। छात्रा का आरोप है कि आरोपी युवक उस पर बुरी नीयत रखता था और काफी दिनों से उसको परेशान कर रहा था, मगर आज उसने छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा जिसमें वो नाकामयाब हो गया। क्या हुआ था आपके साथ जो आज आपके हाथ में देखा जा रहा है मुंह से काटे का निशान है? मैं अपने जानवरों के लिए पानी पिला रही थी, गांव का लड़का चौकीदार का धर्मेंद्र नाम का उसने मेरे साथ कुछ बदतमीजी की थी, मैंने चीख पुकार की तो पापा आए मेरे घर से तो पापा के सर में डंडा मार दिया और पापा ने मेरे हाथ छोड़ा और मेरे हाथ में काट लिया। अच्छा, क्या आपके लिए बचाने के लिए वहाँ के कोई ग्रामीण आए नहीं आए? नहीं, पापा आए थे, सब बड़े भी आए थे। अब देखना होगा कि कब तक आरोपी को इस अपराध की सजा मिलती है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाएगा। सर, एक थाना धनारी क्षेत्र में थाना चौकीदार के बेटे पर आरोप लग रहा है कि उसने एक गांव की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद दुष्कर्म की कोशिश की है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली में थाना धनारी से मेरी बात भी हुई है, उसने बताया कि आज दिन में 11 बजे करीब धर्मेंद्र की अपनी लड़की पशुओं को चारा या पानी लेने के लिए जा रही थी, रास्ते में धर्मेंद्र नाम का लड़का मिला, उसने उसका रास्ता रोका, रोकने के बाद में कुछ कहा सुनी हुई, उसके बाद में लड़की के ने उस लड़की के हाथ पर काट भी दिया है। इस संबंध में एक मुकदमा कायम हुआ है छेड़छाड़ का और 324 का 354 का, तफ्तीश उसकी होगी, मुझे खुशी गिरफ्तार करके जेल में।